स्वागत आपका एक बार फिर से इस प्लेटफार्म के ऊपर। मेरा नाम है राकेश और आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि स्मार्टफोन के अंदर एक रैम होती है। स्टार्टिंग में जब स्मार्टफोन निकल के आया करते थे तो उनके अंदर सिर्फ 512 MB या फिर 256 MB की रैम यहाँ पर मिला करती थी, लेकिन पीसी के अंदर हम अलग से यहाँ पर इंस्टॉल करवा सकते थे रैम। लेकिन पीसी या फिर लैपटॉप रैम और जो स्मार्टफोन की रैम है, लगभग इनमें फ़र्क क्या है? ज़्यादा इनमें फ़र्क तो नहीं है, लेकिन इनमें कॉमन फ़र्क होता है। इसलिए जो है स्मार्टफोन काफ़ी फास्ट चलता है और लैपटॉप जो है कभी कभी स्लो हो जाता है या फिर हमारा सिस्टम जो है स्लो हो जाता है। तो इसी के बारे में जानकारी यहाँ पर दे रहा हूँ। तो दोस्तों कहीं जाना नहीं, आपको थोड़ी सी जानकारी है लेकर जाएं। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक स्मार्टफोन की रैम की और एक पीसी या फिर एक लैपटॉप की रैम की। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं, क्योंकि नॉर्मली जो है पीसी आपने स्टार्टिंग में देखी थी, उसके बाद स्मार्टफोन आए। तो पीसी की रैम में अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो वो मेमोरी के अंदर इंस्टॉल होता है, लेकिन जब सॉफ्टवेयर को आप रन कराते हैं तब यहाँ पर रैम का यूज़ होता है। लेकिन वहीं पर स्मार्टफोन में उल्टा होता है, जब भी आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो वो रैम में जाकर यहाँ पर फीड हो जाती है, अभी इंस्टॉल हो जाती है, उसके बाद जो है सिक्योरिटी यहाँ पर होती है जब आप उसे यूज़ करते हैं। ये थोड़ा सा उल्टा इसलिए है ताकि स्मार्टफोन को जो है काफ़ी कम समय में आप फास्टली यहाँ पर यूज़ कर पाए, इसलिए जो है उसको यहाँ पर इस तरह से फास्ट यहाँ पर बनाया गया है। स्मार्टफोन की रैम और जो पीसी की रैम है इनमें काफ़ी ज़्यादा फर्क भी होता है। स्मार्टफोन की रैम बिल्कुल छोटी सी होती है, वहीं पर पीसी की रैम काफ़ी लंबी मिलती है। मतलब लैपटॉप के अंदर भी लगभग आपको 2.5 या फिर 3 इंच की रैम, मतलब एक साइज़ बता रहा हूँ, इतनी बड़ी आपको यहाँ पर मिल जाती है। वहीं पर बात करें हीटिंग की, तो स्मार्टफोन की जो रैम है वो काफ़ी कम हीट होती है, मतलब उसे इसी प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है कि काफ़ी कम यहाँ पर हीट होती है। वहीं पर अगर पीसी या फिर लैपटॉप के रैम की बात करें तो उसके ऊपर इतनी बड़ी बड़ी एप्लीकेशन हम लगा देते हैं, नॉर्मली हमारे पास गेमिंग वाला लैपटॉप तो है नहीं और उसमें चला देते हैं हैवी गेम, ठीक है उसके अंदर रन हो जाता है, ठीक ठाक चल भी जाता है, लेकिन रैम पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लोड आता है। वहीं पर अगर रैम कम है, काफ़ी बार कुछ एडिटिंग या फिर कोई भी गेम आप परचेज करते हैं तो उसके ऊपर पीसी रिक्वायरमेंट यहाँ पर लिखा हुआ होता है, नॉर्मली 8 GB की रैम यहाँ पर चाहिए, इतना जो है हार्ड ड्राइव स्पेस चाहिए, इतना CPU लगभग चाहिए, लेकिन कौन ध्यान देता है उसके ऊपर, वो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना आपको चाहिए। तो इसी के साथ जो है इस प्रकार से काम करते हैं। तो अब काफ़ी बार आप सोचते हैं कि स्मार्टफोन की रैम में मतलब पीसी की रैम में क्या फ़र्क है। एक तो इनमें साइज़ का फ़र्क है, पीसी में जो है बड़ी होती है, लैपटॉप में उसे थोड़ी छोटी होती है, और स्मार्टफोन में तो इतनी सी होती है, मतलब इतनी सी होती है, छोटी सी, फिर भी जो है काफ़ी कमाल की होती है। आजकल स्मार्टफोन में जो है 10 GB तक की रैम यहाँ पर आ चुकी है। वहीं पर अगर आप एक लैपटॉप लेते हैं जो कि बजट में होता है, उसमें 4 या फिर 8 या फिर 16 GB मिल जाती है, लेकिन स्मार्टफोन में 10 GB की रैम बिल्कुल छोटा सा होता है एक स्मार्टफोन, उसके अंदर भी इतनी रैम यहाँ पर आपको मिल जाती है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर फर्क होता है। और जो पीसी या फिर लैपटॉप की रैम है उसके ऊपर ज़्यादा लोड जाता है, इसलिए जो है वो जल्दी यहाँ पर ख़त्म भी हो जाती है। वहीं पर स्मार्टफोन की जो रैम है उन्हें इतना यहाँ पर पावरफुल बनाया जाता है कि वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक यहाँ पर चल पाए। सबसे टॉप क्वालिटी की रैम आपको सिर्फ सैमसंग के स्मार्टफोन में मिलने वाली है, उसकी लाइफ काफ़ी लंबी होती है रैम के कारण, ये एक मुख्य पॉइंट है यहाँ पर। और वहीं पर अगर अदर स्मार्टफोन देखते हैं या फिर जैसे कि मीडियाटेक का CPU यहाँ पर लगा हुआ है, उसके साथ कौन सी रैम का यूज़ किया गया है, LPDDR3 LPDDR2, लेकिन LPDDR5 जो है 2019 में सैमसंग यहाँ पर लॉन्च करने वाला है, अगर वो रैम मार्केट में आ जाती है और किसी स्मार्टफोन में आ जाती है तो उसकी स्पीड काफ़ी तेज़ यहाँ पर हो जाएगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वाली जानकारी आपको बढ़िया लगी होगी मेरे द्वारा दी गई। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, लाइक कर दीजिए वीडियो, शेयर कर दीजिए। कोई सवाल है कुछ सवाल कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।